नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में जेपी पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। आज लगभग इस स्टॉक में 5% के डाउन ट्रेंड पे क्लोजिंग दिखी है और इस गिरावट के जो मेनली कारण है वो ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप में 4% के डाउन ट्रेंड दिखे, जिसके कारण ये सेवियर सेलिंग दिखा। अच्छी बात ये रही कि लोअर सर्किट नहीं लगे, 4.95 के जो है ट्रेंड जो है निगेटिव ट्रेंड दिखे और पूरे दिन स्टॉक जो है वो ट्रेडेबल था। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो लोग इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको यहां पे पार्शियली या फिर फुल एग्जिट करने चाहिए। इस स्टॉक में होल्ड तभी करेंगे जब आप 1-3 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली बड़े टर्न अराउंड हुए और मुझे लगता है कि 50+ तक के लेवल्स भी ये स्टॉक इजली विद इन मैक्सिमम 1-3 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है। आज लगभग 17 करोड़ के वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ट्रेड किया है। इसके अलावे जो रिसेंट की जो डिलीवरी रही थी वो बेटर रही थी और जो ट्रेंड रहा है टेक्निकल वो ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो बेटर ट्रेंड रहा है। लेकिन यहाँ चार्ट को देखें, इस चार्ट को आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी तो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये ही ऐसा जोन है जहां डबल टॉप बना करके स्टॉक ने ऑल टाइम लो के प्राइस को टच करा, तो यहां से सप्लाई आएगा। फ्रेश बायर को जरूरी है 25 के ऊपर के वीकली क्लोजिंग के लिए, तो जब तक 25 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग ना दे तब तक बिल्कुल कॉशन बरतें। रिट्रेसमेंट 17-15 के आसपास तक का दिख सकता है, जो अगेन एक बेस्ट बाइंग जोन देखने को मिलेगा। और एक बार 25 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग अगर मिलता है फिर हम बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक 38-52। फिर दो बड़े टारगेट आएंगे, पहला 38 और दूसरा लगभग 56 का।